कृष्णा। तो आज इस कार्यक्रम में हम होली के विषय में बात करेंगे। होली भारत का एक बहुत ही प्राचीन उत्सव है जो प्रेम का उत्सव है और राधा और कृष्ण इनकी लीलाओं का इसमें बहुत ही गहरा संबंध है। होली का उत्सव दो विभाग में हमारे भारत में प्रस्तुत है, एक है होलिका दहन और दूसरा है रंगों का उत्सव। तो प्रथम हम होलिका दहन के बारे में चर्चा करेंगे। हम सब जानते हैं श्रीमद् भागवत में सातवें स्कंद में प्रह्लाद की कहानी आती है। हिरण्यकशिपु के अत्याचार से पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया था। उस समय हिरण्यकशिपु ने अपने बेटे प्रह्लाद को जान से मारने के लिए सारी कोशिश की, जिस जिस प्रकार से मृत्यु हो सकती है उस हर प्रकार को हिरण्यकशिपु ने अपने बालक प्रह्लाद को मारने के लिए अपनाया। जैसे कि उसको विष पिलाया, विष का उस पर असर नहीं हुआ। फिर उसको शस्त्रों से, तलवार से, भाले से मारने का प्रयास किया, उसका भी प्रह्लाद पर कुछ असर नहीं हुआ। फिर उसको पहाड़ से फेंक दिया, तब भगवान ने स्वयं रुई की तरह अपने सुंदर कोमल हाथों में उसे स्वीकार किया। फिर उसके हाथी के पैर दिया, लेकिन हाथी ने उस पर पैर ही नहीं चलाया। परमात्मा के रूप में जो भगवान हाथी के हृदय में स्थित थे, उन्होंने हाथी को उनको कुचलने की प्रेरणा ही नहीं दी। फिर उनको विषैले सांपों के जगह पर छोड़ दिया गया, लेकिन जितने भयंकर विष से भरे हुए सांप और नाग थे, उनके हृदय में स्थित परमात्मा रूप विष्णु भगवान ने उन विषैले नागों को उनको डसने की प्रेरणा ही नहीं दी। इस तरह से हर प्रकार से प्रह्लाद जी जितना भी प्रयास किया गया उनको मृत्यु प्राप्त कराने का, उससे वो बचते गए। फिर एक दिन हिरण्यकशिपु की बहन होलिका देवी उनके पास में आई। उन्होंने अपने भाई हिरण्यकशिपु को बड़ा परेशान देखा कि मेरा ये पुत्र जो है मेरा नंबर एक का शत्रु है और मैं उसका वध करना चाहता हूँ। जैसे किसी शरीर में जब कर्क रोग की गांठ होती है तो उसको निकाला जाना चाहिए अगर शरीर को स्वस्थ रखना है और कर्क रोग से बचाना है, उसी प्रकार से ये प्रह्लाद हमारे कुल का एक कर्क रोग है, इस गांठ को तुरंत शरीर से हटाना चाहिए। लेकिन मैं हर प्रकार का प्रयास कर रहा हूँ, इस बालक का वध नहीं कर पा रहा हूँ। पूरा विश्व मेरे नियंत्रण में है, जब मैं मेरी भवे उठाता हूँ तो सारे लोग सारे लोकों में थर्रा 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 कांपते हैं। तो होलिका देवी ने कहा कि मुझे ब्रह्मा का वरदान है कि मैं जब भी आग में जाऊंगी या आग से मेरा स्पर्श होगा, अग्नि से मेरा संपर्क होगा, तो मैं अग्नि में नहीं जलूंगी। ये मेरे तपस्या का फल है जो मुझे ब्रह्मा जी ने दिया है। तो एक काम करते हैं, मैं प्रह्लाद को गोद में लेकर बैठ जाऊंगी और आप मेरे चारों ओर आग लगा देना, फिर आग जलती रहेगी और मैं अग्नि से बचूंगी और मेरे गोद में बैठे हुए प्रह्लाद जी जलकर भस्म हो जाएंगे। ऐसा उनकी तरफ से, उनकी दृष्टि से नेक विचार करके उन्होंने होलिका देवी एक जगह प्रह्लाद को गोद में लेकर बैठ गई और चारों तरफ आग लगा दी गई। और देखिए भक्ति का चमत्कार, वरदान होते हुए भी जब आग बढ़ने लगी तो होलिका देवी जलकर भस्म हो गई और प्रह्लाद जी को आग के एक लकीर की भी कोई आंच नहीं पहुंची, कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई जलकर वो कष्ट नहीं पाए। उस समय वो जब स्वयं जलने लगी और उसकी मृत्यु बहुत निकट आ गई तो उस समय वो चिल्लाने लगी, हे ब्रह्मा जी, हे भगवान, मुझे तो वरदान प्राप्त है, कैसे मैं जल रही हूँ।
तो उस समय ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि तुम्हें स्वयं की रक्षा के लिए वरदान दिया गया था, कि जब भी तुम्हारे स्वयं पर अग्नि के तरफ से, अग्नि के विषय में आपको बाधा होगी, तब अग्नि की बाधा आपको नहीं होगी, ऐसा वरदान दिया गया था। लेकिन किसी को भी मारने के लिए, किसी निष्पाप का वध करने के लिए, किसी षड्यंत्र में भाग हिस्सा के रूप में ये वरदान नहीं दिया गया था। इसलिए आप जल रही हो और आपकी मृत्यु होगी और प्रह्लाद का कुछ नहीं बिगड़ेगा। इस प्रकार से होली का दहन हो गया, होली का जल गई, भस्म हो गई, नष्ट हो गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई और प्रह्लाद सीधे वैसे ही कुछ भी आचरण रखते हुए मुक्त हो गए। तो ये होली का छोटा सा इतिहास है जिसके लिए हम होली का दहन करते हैं। फाल्गुन महीने के शुद्ध पक्ष में जब चतुर्दशी आती है तो उस रात को होली का दहन किया जाता है। जमीन में एक गड्ढा बनाते हैं और लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठा करके पहले होलिका देवी की पूजा करते हैं और उसका दहन करते हैं। उसका ये जो लक्षण है, जो हम उसको शिक्षा के रूप में समझ सकते हैं, वो ये है कि होलिका देवी एक पाप प्रवृत्ति की लक्षण है। जो पाप प्रवृत्ति है, जो दूसरों का विनाश चाहती है या अहित चाहती है, दूसरों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती है, ये पाप प्रवृत्ति जो है, जो स्वार्थ पर निहित है, जब हम अपने स्वार्थ को बचाने के लिए दूसरों को नुकसान करने में आगे पीछे देखते नहीं हैं, ये जो प्रवृत्ति है आप देख रहे हैं सब जगह विश्व में छा रही है। लोग एक तो खुद नहीं बढ़ना चाहते आगे, समझो नहीं बढ़ सकते हैं, खुद की प्रगति नहीं होती चलेगा, लेकिन दूसरे की प्रगति नहीं होनी चाहिए। और अगर खुद की प्रगति में दूसरी व्यक्ति बीच में आती है तो उसका विनाश करने में भी लोग आगे पीछे देखते नहीं हैं। तो ये जो प्रवृत्ति है, जो स्वार्थ के लिए किसी का भी अहित कर सकती है, इस प्रवृत्ति को हम होलिका दहन के रूप में दहन करना चाहते हैं। अपने उस प्रवृत्ति अगर हमारे अंदर है तो उसको हम नाश करना चाहते हैं, समाज में अगर है तो उसको भी नष्ट करना चाहते हैं। तो भगवान इस उत्सव के बारे में, उत्सव के माध्यम से हमको ये शिक्षा दे रहे हैं कि जब हम कोई उत्सव मनाते हैं तो उसमें आनंद तो होता ही है, लेकिन हर एक उत्सव के पीछे हमारे लिए कोई उपदेश है, हमारे लिए कोई अच्छी बात भगवान ने हमारे जीवन के कल्याण के लिए बताई गई है, हमारे उन्नति के लिए, हमारी प्रगति के लिए, हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए उसमें गहरा संदेश समाया हुआ रहता है। तो इस चतुर्दशी के, फाल्गुन महीने के शुद्ध पक्ष के चतुर्दशी के दिन जब हम होलिका को जलाते हैं तो यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर की और समाज के अंदर की जो ये स्वार्थी प्रवृत्ति है, जिसके लिए हम किसी का भी अहित करने पर आगे पीछे नहीं देखते, वो नष्ट हो जाए। क्योंकि जब तक ये स्वार्थ प्रवृत्ति के लिए दूसरों का अहित करने की प्रवृत्ति हमारे अंदर होती है, तब तक सत्य रूप से, वास्तविक रूप से हमारी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती है। आध्यात्मिक प्रगति तब होती है जब स्वार्थ नष्ट होता है, जब स्वार्थ नहीं रहता है, स्व अर्थ नहीं रहता है, परम अर्थ, परमार्थ जब जागृत नहीं होता है, तब तक हमारी वास्तविक रूप में आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती है। जब जहाँ पर हमारा स्व है, हम खुद हैं, उस जगह पर जब तक भगवान और वैष्णव नहीं बैठते हैं, यानी कि हृदय का सिंहासन, हृदय के सिंहासन में आज परमात्मा का स्थान है, लेकिन हम अपने आप को बिठा के रखे हैं और अपने ही लिए, अपने ही भोग के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जीवन बिताना चाहते हैं, तो ये प्रवृत्ति नष्ट होगी तब भगवान की दिशा में हम वास्तव में प्रगति करेंगे। तो इसी विचार से हम सबको ये होलिका दहन करना चाहिए। केवल इसके लिए नहीं है कि हमें एक मौका मिलेगा रात भर ताश खेलने का, रात भर शराब पीने का, लोगों से पैसा इकट्ठा करके हम कुछ उत्सव मना के खुद के आनंद की व्यवस्था करेंगे, थोड़ा ऐहिक भोग लेंगे, एक अच्छा मौका है, इस भावना से इस होलिका दहन के उत्सव को हमको नहीं देखना चाहिए। होलिका दहन एक बहुत ही गहरा उपदेशात्मक उत्सव है। हर एक उत्सव की तरह जो भारत देश में उपलब्ध हैं, ये हमारा परम भाग्य है कि हमारा भारत देश
उत्सवों का देश है, एक के बाद एक उत्सव आते रहते हैं और उसकी तैयारी में कभी मन जो है वो तनाव में आता ही नहीं है, तनाव मुक्त रहता है, डिप्रेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है कि एक के बाद उत्सव एक के बाद एक आते रहते हैं। और फिर ये होलिका दहन के बाद में दूसरे दिन रंगों का उत्सव मनाया जाता है। अभी इसके विषय में भारतवर्ष का इतिहास बहुत प्राचीन है, बहुत दिव्य है, बहुत सुंदर है, बहुत मन को लुभावने वाला है, लेकिन आज के तारीख में अगर हम होली का उत्सव जब देखते हैं तो उसका एक बीभत्स स्वरूप हमारे सामने प्रकट हो जाता है। लोग कीच को उठाकर, गटर का कचरा उठाकर लोगों पर फेंकते हैं, लोग ज़बरदस्ती गुब्बारे बनाकर रंगों को जिनकी इच्छा नहीं है उनके ऊपर फेंकते हैं, चलने वाले वाहनों पर फेंकते हैं, चलने वाले स्त्रियों पर, आदमियों पर, औरतों पर फेंकते हैं और उनको कष्ट देते हैं। लेकिन जो होली का, रंगपंचमी का, रंगोत्सव का जो मूल उद्देश्य है वो केवल प्रेम को प्रकट करना है। ये केवल शुद्ध रूप से प्रेम का उत्सव है। और जब दो व्यक्तियों में या अनेक व्यक्तियों में, समाज में, परिवार में, कुटुंब में जब प्रेम होता है तो उस प्रेम को व्यक्त करने के लिए उत्सव है जो शुद्ध रंगों के माध्यम से एक दूसरों को दिया जाता है और प्रेम अर्पण किया जाता है। तो ये होली कैसे मनाई जाए, सब लोग पूछते हैं कभी कि होली का उत्सव कैसे मनाया जाए। तो हमारा शास्त्र तो ये कहता है कि जो हमसे बड़े हैं, जो हमसे आदरणीय हैं, उम्र में बड़े हैं, योग्यता में बड़े हैं, हमारे लिए वंदनीय हैं, उनके चरण छूना चाहिए और कुछ रंग उनके चरणों में लगाना चाहिए, या तो उनके हाथों में, हथेली में लगाना चाहिए और उनका आशीर्वाद देना चाहिए। और जो हमारे बराबरी के हैं, जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे सांप्रत के वर्तमान के मित्र हैं, हमारी योग्यता के हैं, हमारे बराबरी के हैं, उनको हम गले मिलते हैं और हाथों में रंग लेकर उनके गालों में लगाते हैं, शीश पे लगाते हैं और कभी कभी प्रेम में उनको पकड़ के भी लगाते हैं, लेकिन इसमें कहीं भी विभत्स भाव नहीं है। जिनको रंग लगाया जा रहा है उनको कष्ट हो, पीड़ा हो, कुछ बदला लिया जाए, प्रतिशोध लिया जाए, ये भावना नहीं होती है। जो भी होता है दोनों को आनंद देने के लिए होता है। और जब हमें ये समझ में आता है कि मेरा ये रंग लगाने की कृति से सामने वाले व्यक्ति को अभी कष्ट होने वाला है, अभी तक आनंद मिल रहा था, अभी इसके आगे करेंगे तो कष्ट मिलेगा, उसी समय प्रेम होने की वजह से इस कार्य को बंद किया जाता है। क्योंकि मूल उद्देश्य यह है कि जब मैं रंग लगाऊंगा तो जिसको रंग लगाऊंगा उसको मुझे खुशी देनी है, उसको समाधान देना है, उसका हृदय प्रेम से भर देना है। इसलिए जब पता चलता है कि अभी उसे कष्ट होने वाला है तो उसी समय इस कार्य को बंद किया जाता है। और अगर हम वरिष्ठ हैं उम्र में, योग्यता में, और हमारे सामने कोई हमारा बालक या हमारा बेटी का बालक या हमारे विद्यार्थी या हमारे कोई पड़ोस के छोटे छोटे बच्चे आते हैं तो उन्हें बड़े ही प्रेम से उनका रंग स्वीकार करके उनको आशीर्वाद देना चाहिए और फिर प्रेम से उनके गालों में, कपाल पे, हाथों में रंग लगाना चाहिए। कभी प्रेम से हो सके तो एक पिचकारी उन पर लगाना चाहिए। मुझे अभी भी याद है जब मैं ब्रज में एक बार होली के दिन मार्ग में चल रहा था मंदिर से अपने घर तक, तो एक बालक मेरे सामने आया दो बड़ी बड़ी पिचकारी लेकर। उसने कहा, प्रभु जी रंग फेंको आपके ऊपर। बड़ी इतने प्रेम से बोला उसने। मैंने कहा, जरूर फेंको, आपकी इच्छा है। तो उसने मुझे दोनों पिचकारियों से ऊपर से नीचे तक रंग से भिगा दिया और मैंने कहा बस, तो उसने तुरंत उसको रोक दिया, आया, चरण छुआ, आशीर्वाद मांगा और चला गया। उस दिन मुझे इतनी खुशी मिली, इतना आनंद का अनुभव हुआ, क्योंकि ये वास्तविक होली का स्वरूप है। किसी को भी कष्ट दिए बिना ये होली का उत्सव, रंगों का उत्सव हमको खेलना है। क्योंकि अगर आनंद का अनुभव नहीं हुआ और कष्ट बिल्कुल नहीं हुआ और आनंद का अनुभव हुआ तो ये उत्सव सफल है, और आनंद का अनुभव हुआ ही नहीं लेकिन कष्ट जरूर हुआ तो ये उत्सव यहाँ पर फेल है।
तो सभी युवा लोगों को, सभी बुजुर्गों को, सभी भारत के वंदनीय नागरिकों को हमारी ये विनती है कि हमारी जो धरोहर है उत्सवों की, उसका जो उद्देश्य है, उसका जो सार है, उसका जो गर्भित सार है, उसको समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि ये सारे उत्सव आनंद के लिए बनाए गए हैं। सारे उत्सवों का मूल आनंद है और दूसरा मूल है दूसरों की खुशी। जब इन उत्सवों को मनाने के माध्यम से हम दूसरों को आनंद देते हैं, तो दूसरों के आनंद को प्राप्त होते ही हमारा हृदय भी आनंद से भर जाता है। ये उसका रहस्य है। तो होली का उत्सव बरसाने में शुरू हुआ था। हमारे भारतवर्ष में मथुरा मंडल है, जहाँ पर भगवान ने अपनी सुंदर लीलाओं को प्रकट किया है। उसमें वृंदावन है, और वृंदावन में आगे जाकर एक हिस्सा है, उसका नाम है बरसाना, जो राधा रानी का घर है, राधा रानी का निज धाम है। और इसी धाम से ये होली का उत्सव आरंभ हुआ था, जिसमें कृष्ण भगवान, राधा रानी, उनकी सखियाँ गोपियाँ और कृष्ण के सखा ग्वाल बाल, ये सब मिलकर होली खेलते हैं। तो सुंदर कहानी इसकी ऐसी है कि फाल्गुन के महीने में जब अष्टमी आती है, शुद्ध अष्टमी, उस दिन नंदगांव से, जहाँ कृष्ण का घर है, कृष्ण का धाम है, वहाँ से एक ब्राह्मण जिसका नाम पांडे है, वो आता है, बरसाने में प्रवेश करता है, निमंत्रण लेके आता है कि हमारे नायक, हमारे हीरो श्री कृष्ण कल आपसे होली खेलना चाहते हैं, उनका निमंत्रण लेकर मैं आया हूँ। तो सब सखियाँ उनको एक कुंड का पास मिलती है, जिसका नाम है पीली पोखर, जिसका और एक नाम है प्रिया कुंड। वहाँ पर वो पांडे ब्राह्मण आता है और सखियों को निमंत्रण देता है कि हमारे नायक कल आएंगे आपसे होली खेलने। तब सब सखियाँ इस प्रतिनिधि को सारे रंगों से भिगा देती हैं, सब तरफ से घेर देती है और चारों तरफ से रंग से पिचकारी मार मार के उसको इतना संकोच देती है। तो उसके बाद राधा रानी वहाँ से आती, और राधा रानी देखती है कि एक बेचारे अकेले ब्राह्मण को सारी लड़कियाँ मिलकर इतना परेशान कर रही हैं। तो वो बीच में जाकर इस ब्राह्मण जो संदेश लेकर आया है, केवल संदेश लेकर आया है, उसको छुड़ा देती है और बड़े प्रेम से अपने घर ले जाती है। और घर जाकर उसको नए वस्त्र देती, पहले गर्म पानी से, ऊन सुगंधित द्रव्य से, सुगंधित जल से उसके स्नान की व्यवस्था करती है, फिर नए वस्त्र देती है, अलंकार देती है, बढ़िया पंच पकवानों का भोजन कराती है, दक्षिणा देती है। तो उस समय नंदगांव से आए हुए इस ब्राह्मण को देखकर राधा रानी की जो माता है कीर्तिदा देवी, उसे बड़ा आनंद आता है, बड़ी खुशी होती है, बड़े प्रेम से इस ब्राह्मण के मुख में वो लड्डू भर देती है। तो इसको कहते हैं लड्डू होली, आज उसको लड्डू मार होली कहते हैं। लेकिन उसका मूल जो कहानी है कि कीर्ति मैया ने इस दिन ब्राह्मण के मुंह में बड़े प्रेम से बरसाने के लड्डू भरे थे और उसको प्रेम से दुला रहा था। उसके बाद में राधा रानी पालकी में बिठाकर बड़े सम्मान के साथ में इस ब्राह्मण को नंदगांव भेज देती है। ये हुई अष्टमी की लड्डू होली। आज के तारीख में अष्टमी के दिन बरसाने के मंदिर के ओर से लड्डू फेंके जाते हैं, नंदगांव के लोग जो आते हैं वहाँ पर उनके ऊपर उसको फेंकते हैं, तो उसको लड्डू मार होली कहते हैं। और वो जो बरसाने के मंदिर से लड्डू फेंके जाते हैं प्रसाद, उसको जो पाता है वो अपने आप को बड़ा भाग्यवान समझता है कि इस लड्डू जो कीर्ति मैया ने नंदगांव के ब्राह्मण के मुँह में बड़े प्रेम से भरे थे, वही लड्डू हमको प्रसाद के रूप में आज मिल रहे हैं, तो बड़ा भाग्य मानते हैं और उसको घर जाकर सबको बांटते हैं। कुछ लोग बरसाने के मंदिर में जाकर लड्डू दान देते हैं, ताकि वहाँ के जो पुरोहित हैं, वो जो राधा रानी के विग्रह के सेवक हैं, अर्च विग्रहों के, वो मंदिर की ओर से वो लड्डू फेंके और बाकी लोग उसको पकड़े, इस भाव से लोग दान भी देते हैं। फिर आती है नवमी, जिसको रंगीली होली कहते हैं। इस दिन नंदगांव से हमारे कन्हैया जी अपने साथियों को लेकर चल पड़ते हैं, सज धज के, सर पे फेटा पहन के, रंग बिरंगी कपड़े पहन के, उसमें चारों तरफ पिचकारियां लगा के और रंगों की, अलग अलग रंगों की झोलियां भर के, बड़ा श्रृंगार करके, माला पहन के, हर प्रकार का श्रृंगार करके निकलते हैं। बहुत अजीब श्रृंगार, जो आम तौर पे नहीं होता है, उसमें
पंखों पंख भी लगाते हैं पक्षियों के, और टीका भी लगाते हैं और रंग भी लगाते हैं, पत्रावली बनाते हैं चेहरे पर, और एक ढाल लेके निकलते हैं जो बलराम का प्रतीक है, उसको कहते हैं नंदगांव के हुरियारे। वो नंदगांव के हुरियारे जिनका नेता श्री कृष्ण है, कन्हैया है, वो सब लोग अपना सज धज के ढाल लेकर निकलते हैं। और शास्त्र में ऐसा वर्णन आता है कि इस जुलूस में भाग लेने के लिए ब्रह्मा जी आते हैं, शिव जी आते हैं, सुखदेव जी आते हैं, नारद जी आते हैं, देवी देवताएं भेष बदल के आते हैं और अपना ऐश्वर्य संपन्न स्वरूप छोड़कर एक पागल की तरह व्यवहार करते हैं, नाचते हैं, अंग विक्षेप करते हैं, ठाकुर को रुझाने के लिए कुछ विनोद करते हैं, कुछ शरीर को ऐसे घुमाते हैं ताकि कन्हैया को आनंद आ जाए। ग्वाल बाल भी बड़े आश्चर्य से देखते हैं, अरे हमारे ये जुलूस में ये चार मुख वाले कौन आए, ये पांच मुख वाले कौन आए, ये दो मुख वाले कौन आए। देवी देवता सब अपने वेश बदल कर आते हैं लेकिन जाकर पूछने का कोई समय नहीं है, इतना आनंद बरस रहा है, इसलिए वो भी चलते हैं आनंद लेते हुए और सब ग्वाल बाल भी चलते हैं। ऐसा लिखा है कि नारद मुनि जी जो दिगंबर सुखदेव जी हैं बालक रूप में, उनको गोद में लेकर चल रहे हैं। ऐसे आनंद से गाते बजाते झूमते हुए डोलते हुए सब जुलूस बरसाने पहुंचती है। वहां पर सखियां खड़ी हैं सज धज के, पिचकारी लेकर, रंग लेकर, सूखा रंग पिचकारियां लेकर खड़ी हैं, और वहां पर उसी जगह पर पहुंचते हैं जिस जगह वो पांडे कल पहुंचा था। और कृष्ण भगवान देखते हैं कि यहाँ पर राधा रानी तो नहीं है, तो उसको इशारा करके बुला लेते हैं, फिर वो नीचे आती है। फिर तय होता है कि अभी होली खेलने शुरू हो जाए। इस प्रकार से पीली पोखर के किनारे पे रंगीली होली के दिन शाम को होली आरंभ होती है। पहले फिर सूखे रंग की होली होती है, फिर गीले रंग की होली होती है। ये तय होता है सब नियम, पहले नियम तय कर लेते हैं और तो बड़े प्रेम से होली शुरू कर देते हैं। लेकिन जब सूखे होली में ठाकुर जी हारने लगते हैं तो फिर वो गुस्ताखी करते हैं, चालाकी करते हैं और पिचकारी निकाल कर रंग मारते हैं। पर इस गुनह के लिए उनको कैद किया जाता है, उनको पकड़ के उनकी बाहें मरोड़ी जाती हैं, उनके मुंह पे काजल लगाया जाता है, उनके सिर पर चुनरी ओढ़ी जाती है, उनके पीछे गाली लिखी जाती है, उनको भेज देते हैं, उनका उत्तरीय वस्त्र छीना जाता है। फिर कन्हैया जी चरणों में गिरते हैं, माफ़ी मांगते हैं और उसके बाद में उनको तोहफा देते हैं, बख्शीश देते हैं। तो होली का जो उत्सव है इसको एक ही अगर वाक्य में समझना है तो भगवान नंदगांव से हार कर, हारने के बाद जो तोहफा देना है वो सब बॉक्स भर के लेके ही चलते हैं वहाँ से। होली का उत्सव मनाते इसलिए हैं कि ठाकुर जी को वहाँ जाकर हारना है, अपने सखियों के सामने, अपने परम भक्तों के सामने घुटने टेकने हैं, चरणों में सिर रखना है, माफ़ी मांगनी है, उनको दक्षिणा देनी है, उनको उपहार देने हैं, इस भावना से वो आते हैं। और जानबूझकर होली के खेल में वो हारते हैं। आचार्य बताते हैं कि होली का उत्सव अपने प्रियतम के सामने अपने आप को निम्न दिखाने के लिए मनाया जाता है, ये होली का श्रेष्ठ भाव है। तो हम सब लोगों को इस इतिहास को देखते हुए इस होली को मनाना चाहिए। यह राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है और इसमें परम भगवान, परमोच्च भगवान जो है वो अपने आप को अपनी प्रियतमा राधा रानी के सामने निम्न दिखाना चाहते हैं, निचला स्थान ग्रहण करना चाहते हैं और उनको उसके लिए उनकी माफ़ी मांगते हैं, चरणों में गिरते हैं, उनको तोहफा देते हैं। उसको फाग कहते हैं, फाग जो अंगूठी होती है, अलंकार होते हैं, उसमें मिठाइयाँ होती है, वस्त्र होते हैं, हर प्रकार की चीज़ें भर भर के गोपियों पर लुटाते हैं। तो आइए इसी भाव से हम होली को मनाएं, क्योंकि होली एक परमोच्च आनंद का उत्सव है, इसमें आनंद ही आनंद है। अगर सार हम समझेंगे तो आनंद को प्राप्त करेंगे। आप सबको होली की शुभकामनाएं, धन्यवाद।